नमस्कार, इंडियन न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। ये बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से सामने आ रही है, जहां पर भिवानी रोड पर रैन बसेरे में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रैन बसेरे का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त रैन बसेरे में कोई भी मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा होते होते चल गया। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग लगने के पीछे का कारण आखिर क्या रहा था। तो कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दमकल कर्मियों को और ऐसे में उसके बाद से आग पर काबू पाया गया। ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रोहतक में जो भिवानी रोड पर रैन बसेरा बनाया गया था, रैन बसेरे में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान जिस वक्त आग लगी उस दौरान रैन बसेरे में कोई मौजूद नहीं था। हालांकि जो रैन बसेरे में जो भी सामान रखा हुआ था वो सारा सामान जलकर बुरी तरीके से राख हो गया है। तो बड़ा हादसा होते होते चला है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी लोग इस रैन बसेरे में रहते थे, जिस दौरान आग लगने की घटना सामने आई उस दौरान रैन बसेरे में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसी वजह से किसी भी जानहानि का नुकसान नहीं हुआ है। तो रैन बसेरे का सारा सामान लेकिन जलकर राख हो गया है। तो दमकल विभाग को तुरंत ही इस मामले की जानकारी दी गई थी और मौके पर दमकल कर्मी यहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि सारा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो रोहतक भिवानी रोड पर रैन बसेरा स्थित है, जहां आग लगने की घटना सामने आई और इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है कि आखिर क्या वो वजह रही थी जिस वजह से इसमें आग लगी। तो आग लगने के पीछे का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो भी सामान रैन बसेरे के भीतर मौजूद था वो सारा सामान आग की लपटों में आने की वजह से, आग की चपेट में आने की वजह से जलकर राख हो गया। तो रोहतक से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हो और आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, तो किस तरीके से इसमें आग लगी होगी और कितना भयावह ये मंजर उस दौरान रहा होगा। तो रोहतक से तस्वीरें उसी रैन बसेरे की हम दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। तो रैन बसेरे में रोहतक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है और आग का तांडव देखिए, इसमें लपटे भी उठती हुई नजर आ रही है, धुआं भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही जैसे ही जानकारी दमकल कर्मियों को लगी, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद रहे और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि रोहतक में जो हादसा हुआ है और ये अग्निकांड जो बताया जा रहा है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है, क्यों आग लगी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, रोहतक के जो भिवानी रोड पे जो नगर निगम रोहतक की तरफ से रैन बसेरा बनाया गया था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का कारण बताया जा रहा है। और आग इतनी देखते ही देखते इतनी भीषण थी कि पूरा का पूरा जो सामान था वो राख हो चुका था। और फायर ब्रिगेड की करीब 3-4 गाड़ियों ने पहुंचकर मौके पर करीब 2 घंटे के बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। अभी इस मामले में जो पुलिस है वहां पर मौके पहुंची है और चेहरा है, अभी किसी तरह के जान का कोई बारे जान की सूचना नहीं है, लेकिन जो सामान था वो बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। चलिए ठीक सुरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।